जय श्री राम प्यारे भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा बताया गया नाम जप का गुप्त ज्ञान सभी को अवश्य ही जानना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है। इस ज्ञान को आप जानकर अपने जीवन में उतार लेंगे तो निसंदेह प्यारे भक्तों, जो आप चाहोगे वो आपको मिलेगा। ऐसा जाप जपो मन लाई, सोहंग सोहंग अजपा गाई, आसन धीट करी धरो ध्यान, अनहिस सुमरो ब्रह्म ज्ञान, जागृत न्याद्रा सुलप आहारम, काम क्रोध अहंकार निविराम, नासा अग्र निजु जो बाई, ईड़ा पिंगला मधि समाई, छसे सहंस इक्कीसो जाप, अनहद उपजे आप ही आप, बंक नाल में उगे सुर, रोम रोम धुनि बाजे तुर, उल्टे कमल सहसर दलवास, भ्रमर गुफा मही ज्योति प्रकाश, सुनि मथुरा शिव गोरख कहे, परम तत्ते साधु लहे। इसका अर्थ जानिए प्यारे भक्तों, गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि मन लगाकर ऐसा जाप जपो कि सो अहंग का वाणी के उपयोग के बिना अजपा गान यानी कि अजपा जाप हो जाए। दृढ़ आसन पर बैठकर ध्यान करो और रात दिन ब्रह्म ज्ञान का स्मरण करो, निद्रा में जागरण करो यानी कि जगत की ओर सोकर अध्यात्म में जागो, भोजन थोड़ा करो, काम क्रोध और अहंकार का निवारण करो, इड़ा और पिंगला में समाई हुई न सागर तक जिसका विस्तार है, प्राण वायु का निवास नासरांध्रों से बाहर 12 अंगुल तक माना गया है, इसी से वायु को द्वादश अंगुल भी कहते हैं। ऐसी वायु के द्वारा जब 21,600 जाप होने लगते हैं अर्थात श्वास क्रिया स्वयं जप क्रिया हो जाती है, तब अनहद नाद उत्पन्न हो जाता है, तब सुषुम्ना बंक नाली में सूर्य उदय हो जाता है और रोम रोम में तुरी बजने लगती है अर्थात अनहद का अनुभव होने लगता है। सहस्रार की चेतन तत्व नीचे की ओर गया है, योग के अभ्यास से वह फिर उलटकर सहस्रार में ही वास पा जाता है और भ्रमर गुफा में ज्योति प्रकाशमान हो जाती है। इस प्रकार हे मथुरा सुनो, वे साधु ऊपर कहे अनुसार साधना करने वाले परम तत्व को प्राप्त करते हैं। सो अहम साधना को अजपा जप अथवा प्राण गायत्री कहा गया है। इसको अजपा जाप इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जाप अपने आप होता रहता है। इसको जपने की नहीं बल्कि सुनने की आवश्यकता है। साथ ही इसको प्राण गायत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि यह जाप प्रत्येक श्वास के साथ स्वतः ही होता रहता है। गायत्री अजपा गायत्री योगियों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। उसका विज्ञान जानने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके समान और कोई विद्या नहीं है, इसके बराबर और कोई पुण्य न भूतकाल में हुआ है और न ही भविष्य में होगा। तो प्यारे भक्तों, आप अजपा जप कीजिए। हम अपने तकरीबन वीडियो में इसके बारे में आपको बताते हैं। इससे ऊपर संसार में ना कोई जप था, ना है और ना ही होगा, और यही हमारे संतों ने महापुरुषों ने गुरु गोरखनाथ ने कहा है। इनके इशारे को समझिए, समझकर अपना कल्याण कीजिए। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।